फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेतास ड्रीम किचन, हैशटैग स्वाद से दिल तक। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी और चोखा। तो चोखे के लिए ये चाहिए मुझे आलू, टमाटर और बैगन। ये आलू मैंने धो के कुकर में डाले हैं और इसमें मैं डालूंगी ये विनेगर, एक ढक्कन विनेगर डालूंगी। और या तो आप नींबू डाल सकते हो, आधा नींबू। तो अगर हम कुछ खट्टा डालते हैं तो ये कुकर काला नहीं होगा जब हम आलू उबालेंगे। अब मैं ये बैगन के ऊपर में तेल लगाऊंगी। मैंने तेल ब्रश से तेल जस्ट ऐसे हल्का सा लगा लिया है। अब मैं गैस पे इन्हें भूनूंगी। ये बैगन को चारों तरफ से अच्छे से भून लेना है। बैगन भून रही हूं मैं और दूसरी साइड मैंने ये कुकर चढ़ा दिया जिसमें मैंने आलू डाले थे, थोड़ा सा विनेगर डाल के, ताकि ये कुकर काला ना पड़े। तो जब इसकी स्टीम भर जाएगी तो इसे मैं सिम कर दूंगी 8 से 10 मिनट तक। ये सिम पे रहेगा 8-10 मिनट तक। बैगन भून रहे हैं, आलू उबल रहे हैं, मैं लिट्टी का डो रेडी कर लेती हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी ये थोड़ी सी अजवाइन, ऐसे बस हल्की सी ऐसे क्रश करके ये डालूंगी मैं इसमें अजवाइन, कैरम सीड्स, और ये है बेकिंग पाउडर 1 teaspoonful हीट, और ये सॉल्ट, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। सम मस्टर्ड ऑयल, बिल्कुल ऑथेंटिक बिहार का टच। ओके, अब इसे भी मिक्स कर लूँगे और इसके बाद पानी डाल के इसका डो बनाऊंगी। ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ही सॉफ्ट। हल्का सा ऑयल लेके हाथ में, ये फिर हाथ में ये चिपकता नहीं है। ये हो गया आटा बिल्कुल रेडी। बैगन बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इन्हें उतार लेती हूँ और अब सेट करती हूँ इस पे मैं नेट पे सारे टमाटर, जिनमें मैंने ऑलरेडी ऑयल ब्रश किया हुआ है, और उन्हें भी मैं इक्वल इंटरवल में अच्छे से टर्न करते रहूँगी। ये देखिए, चारों तरफ से टमाटर खूब अच्छे से सिक जाने चाहिए और आउटर कवर जो है उसका एकदम काला हो जाना चाहिए, तभी ये चोखा जब बनाऊंगी तो इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है उसमें। देखिए मैं किस तरह से ये बर्नट बैगन और टमाटर को साफ़ करती हूँ। ये पहले ये बैगन ले लिया मैंने, ये बैगन का आउटर लेयर में फोक की मदद से इस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए। और ये जब साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा बहुत काला काला रह जाता है, तो उसे मैं क्या करूँगी, इसमें पानी प्लेट में ले लिया है, पानी में डिप करके इसे, उसका भी मैं अच्छे से आउटर लेयर साफ़ कर ले रही हूँ।
अब ये जो टमाटर है इसे मैं फोक में, एक फोक में इसे प्रिक करके पकड़ लिया मैंने, और दूसरे फोक की हेल्प से इसका स्किन निकाल ले रही हूँ। और ये पूरी तरह से जब साफ़ हो जाए तो इसे भी हल्का सा पानी से और ऊपर इसका जो स्किन है साफ़ कर लूँगी, और ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये साफ़ हो गए टमाटर और बैंगन। देखिए अब इसमें मैंने डाल दिया है बैंगन, टमाटर और ये सारे आलू मैं अब इसमें शिफ्ट कर दे रही हूँ, और इसे बहुत ही अच्छे से मैशर की हेल्प से अच्छे से चारों तरफ से मैश कर लेना है। और ये जो बनता है ये चोखा, ये बहुत ही फेमस है, बिहार का चोखा है ये, और ये लिट्टी के साथ मस्त लगता है। तो ये जब मैं अच्छे से मैश कर लूँगी इसे, अब फिर इसके बाद इसमें ऐड होंगे इसके जो मसाले हैं जो इसके टेस्ट को लगाएंगे चार चांद। हुआ बैगन, टमाटर और बॉइल्ड आलू मैश्ड है, इसमें ये चोखे की तैयारी हो रही है। इसमें मैं अब ऐड करूंगी ये मस्टर्ड ऑयल, ये सॉल्ट, धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज एंड रेड चिली पाउडर। स्टर इट वेल, इसे अच्छे से मिला लूंगी। ये है सत्तू, आप मार्केट में जाओगे तो आपको इजीली अवेलेबल होगा। ये भुना चना होता है, उसका ये पाउडर है और ये मेन इंग्रेडिएंट है लिट्टी के फिलिंग के लिए। सत्तू में डालूंगी ये फिलिंग में, ये मस्टर्ड ऑयल, ये अजवाइन कैरम सीड्स, ये है कलौंजी, नाइजीला सीड्स, और ये अमचूर, और थोड़ी सी ये काली मिर्च है, इसे मैं क्रश करके डालूंगी, ब्लैक पेपर क्रश्ड। और बहुत थोड़ा सा प्याज डालूंगी, बिल्कुल बारीक चॉप कटा हुआ, ये हरी मिर्चें, गार्लिक और ये अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें डालूंगी मैं, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ये रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी मैं इसमें, काली मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये कलौंजी, नाइजीला सीड्स या फिर मंगरेला, ये अमचूर, मैंगो, ड्राइड मैंगो पाउडर, कैरम सीड्स और अजवाइन, ये मस्टर्ड ऑयल, रॉ मस्टर्ड ऑयल। तो आप देख पा रहे हैं अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, इसे मैं बारीक कटर में, चिल्ली कटर में अच्छे से इसे कट कर लूँगी। और जो सत्तू का मसाला होता है इसमें जो हम प्याज और अदरक ये सब डालते हैं तो ये बहुत ही बारीक कटा होना चाहिए, तो इसलिए चिल्ली कटर में एकदम एप्रोप्रिएट होता है।
और अगर आप हाथ से कट करो तो भी ध्यान रखो कि ये बहुत ही महीन और बहुत ही फाइन कटा हो। अदरक लहसुन हरी मिर्च कितने अच्छे से बहुत ही बारीक चॉप हो चुके हैं इसमें, ये देखिए। अब मैं इसे ये सत्तू के मिक्सचर में मिला देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से इसमें पूरा मिक्सचर को एकदम मिक्स कर लेना है, और फिर इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ये सॉल्ट भी डाल लीजिए, और फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ को। देख रहे हैं, ये सत्तू का मसाला है जिसमें मैंने ऑलरेडी सारे मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाला मैंने, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ऐसे पानी डालने से ये क्या होता है कि बहुत अच्छे से सारे मसाले और इसमें ब्लेंड हो जाते हैं, और ये अब लिट्टी में भरने के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। ये अब लिट्टी का मसाला भी रेडी हो गया है और ये आटा भी रेडी हो गया है। अब मैं इसके कटोरी जैसे बनाऊंगी हाथ की हेल्प से, अंगूठे और हाथों की हेल्प से, और इसमें चम्मच से इसे मैं मसाले को फिल करूंगी, और इसे अच्छे से ऊपर से प्लीट करके इसे बाइंड कर देना है ताकि ये खुले ना, और एकदम बाहर से भी इवनली इसे रोल करना है। और ध्यान रखिएगा कि लिट्टी का जो ये पेड़ा होता है वो रोटी से छोटा होगा, बट जब आप बेलोगे तो छोटी सी, आप हाथ की मदद से जब इसे बनाओगे तो ये मोटा होना चाहिए, बहुत मोटा भी ना हो कि ताकि आटा ही आटा लगे। आप जस्ट ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारी लिट्टी आप बारी बारी करके रेडी कर लो, और ऊपर से इसे अच्छे से बंद करो और इसे रोल कर दो सारा। और ये जो लेयर है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत मोटा नहीं रखना ताकि ये टेस्टी, अगर आप बहुत मोटा रखोगे तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। इस तरह से आप सारी लिट्टी बना लीजिए। और लिट्टी बनाने में एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हड़बड़ करोगे तो ये लिट्टी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए मैं कैसे ये सारी लिट्टी को रेडी कर रही हूँ। मैं इस प्रोसेस को हड़बड़ में नहीं दिखाना चाहती ताकि किसी का अगर पहले कोई मिस कर दे तो आप ध्यान से सेकंड या थर्ड लिट्टी जब मैं बनाऊं तो आप ध्यान से देख पाओ कि किस तरह से ये बन रही है। ये देखिए, धीरे धीरे ये सारी लिट्टी मैंने रेडी कर ली। अब ये इसमें मैंने सारी लिट्टियाँ, मैं एक बार में सारी लिट्टी रेडी कर लेती हूँ, ये नहीं कि चार बनाई, दस बनाई, फिर सेकी, फिर बनाई, ऐसा नहीं। सारी लिट्टी एक साथ रेडी करके मैं फिर उसे सेकती हूँ। तो हो गई है सारी लिट्टी मेरी रेडी, ये देखिए। जब भी हम लिट्टी बनाते हैं तो ट्रेडिशनल तरीके की और ऑथेंटिक तरीके की जो बिहार में लिट्टी बनती है वो चूल्हे पे बनती है। तो चूल्हा अब मेरे पास नहीं है तो मैं इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लूँगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक तंदूर है, मैं कुछ लिट्टी इलेक्ट्रिक तंदूर में डाल रही हूँ और कुछ बहुत ही हैवी बॉटम कढ़ाई में डाल रही हूँ। अगर आप लाइट वेट कढ़ाई लोगे तो लिट्टी बिल्कुल भी ढंग से नहीं सिकेगी, वो बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो ये हैवी बॉटम कढ़ाई में मैंने कुछ डाली और कुछ डाली ये इस तंदूर में, और इसे बीच बीच में, ये देखिए तंदूर में लिट्टी बहुत अच्छे से सिक गई है। अब मैं इसे चारों तरफ से टॉस कर देती हूँ, हिला देती हूँ, और अब मैं तंदूर को थोड़ी देर के लिए फिर कर दूँगी बंद। अब मैंने इसे खोला तंदूर को, और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा गरम किया हुआ घी। हर एक लिट्टी पे इवनली घी डालूंगी मैं, अभी कम ही डालूंगी, और बाकी का घी जब हम सर्व कर, जब मैं सर्व करूंगी लिट्टियों को तो तब मैं एक बोल में घी ऑलरेडी रख देती हूँ, जिसको जितना डालना हो वो डाल लें। तो इस तरह से ये हो गई रेडी। और अब मैं थोड़ा चेक कर लूँ जो लिट्टी मैंने कढ़ाई में डाली थी, ज़रा मैं देखूँ इसे भी कि वो पकी है कि नहीं। ये देखिए, ये लिट्टी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, और इसे भी मैं चारों तरफ से टर्न कर दूंगी, और ये मेरी हो गई ये लिट्टी रेडी।
मैंने ली है कुछ फ्रेश हरी मिर्चें, उनमें लगाऊंगी मैं स्लिट। सारी मिर्चों में स्लिट लगा के सब में ये थोड़ा थोड़ा सा ये चाट मसाला फिल करूंगी, और फिर इसे मैं घी में थोड़ा सा घी डालूंगी एक पैन में, और इसे बहुत ही लो फ्लेम में धीमी आंच में सारी मिर्चों को सेक लूंगी। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये लिट्टी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी खाइएगा लिट्टी चोखे के साथ, ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। टेस्टी, हेल्दी एंड गर्मा गर्म लिट्टी बनके रेडी है। साथ में है इसके ये चोखा, ये चटपटी सी हरी मिर्च, प्याज और ये घी। लिट्टी को थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर से चम्मच से घी डालिए और फिर शुरू हो जाइए।